दीपक भाई, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मेरी मम्मी जो है वो टीवी पे देखती हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो सभी तरह के सभी संत होते हैं, जैसे कई तरह के मत होते हैं, सब चले आ रहे हैं, क्या इन सबका उद्देश्य एक ही होता है कि ऊपर वाले से मिलाप का? फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी तक क्लासेस रहते हैं ना कॉलेज में, स्कूल में जी सब, और लास्ट में क्या आता है, पीएचडी, डॉक्टरेट होना, तो ये है, सब हेल्प करते हैं। तीसरा स्टैंडर्ड पीएचडी नहीं बनाया, चौथे में आगे धक्के लेंगे, चौथा वाला पाँचवें में लेके जाएगा, पाँचवा वाला छठे में जाएगा, 12, 10वीं में से 11वीं में आएगा, कॉलेज में आएगा। और तो ये सभी का उद्देश्य शांति का है, परमानेंट हैप्पीनेस, मगर वो अभी नहीं प्राप्त कर सकेगा, फोर्थ स्टैंडर्ड वाला नहीं प्राप्त कर सकेगा। यानी दो प्रकार की बात, एक संत पुरुष बोला जाता है, गुरु संत, और दूसरे ज्ञानी पुरुष। तो ज्ञानी की बात क्या है, तो कि लास्ट है कि आत्मा का, यानी अविनाशी आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया तो जन्म जन्मांतर के फेरे से मुक्ति मिलेगी। और दूसरों संतों की बात क्या है, बुरा छोड़ो अच्छा पकड़ो, बुरा छोड़ो अच्छा पकड़ो, क्रोध मत करो, किसी को दुख मत दो, क्षमा रखो, ऐसे सब धीरे धीरे डेवलप करते हैं। और ज्ञानी मिले तो आपको आत्म साक्षात्कार कराएंगे, और ज्ञानी की बात लास्ट है, उससे आगे कोई जाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमें जो प्राप्त करना था आत्मा अनंत अवतार से वही प्राप्त नहीं किया। और अच्छा बुरा तो बहुत बुरा छोड़ा है, अच्छा बहुत पकड़ा भी है, पर अविनाशी यानी विनाशी और अविनाशी, ये अच्छा बुरा दोनों विनाशी चीज़ है, और अविनाशी आत्मा का साक्षात्कार कभी नहीं हुआ था, यहाँ वो हो जाएगा, और वो लास्ट अल्टीमेट है, उसके बाद जन्म जन्मांतर के फेरे से मुक्ति मिलेगी। और मेरा एक और प्रश्न है कि ये जागृति से क्या तात्पर्य है, सब कह रहे हैं हमारी जागृति होती है, इससे क्या तात्पर्य है? जागृति यानी खुद की गलती देखना, वो सबसे बड़ी जागृति है, खुद कौन है उस जागृति में रहना चाहिए। और ये नहीं, कभी हमारी गलती हो जाती है तो हम दूसरे के ऊपर ब्लेम करते, तूने ऐसे किया इसके लिए मुझे गुस्सा करना पड़ा, मैं तो नहीं तो करेंगे ही नहीं। एक तो हम गलती करते हैं फिर भी सामने वाले को दोषी देखते हैं, उसको अजागृति बोला जाता है। और किसी को दुख हो गया, मन से भी किसी को दुख हो गया, नहीं भाई साहब बताए मन से भी बुरे विचार आ गए, तुरंत मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, तो जागृति बोला जाता है। जागृति यानी खुद के दोष को देख सकता है, समझ सकता है, वापस माफ़ी मांग के धो डालता है, वो जागृति बोला जाता है। तो ये ज्ञान लेने के बाद ही हमारे को जागृति शुरू होगी, सच्ची बात है, तब तक अज्ञानता है, तब तक अंधेरा है। हम गलती करते वही शंका नहीं है, किसी को दूसरे को आक्षेप दे देते हैं, किसी को दुख दे देते हैं, तो भी लगता नहीं कि मेरी गलती हो गई, अरे नज़र भी बिगाड़ लेता है, कौन कैसी है कैसी है, नहीं विषय विकारी विचार नहीं कर लेते लोग, नहीं करते हैं? करते हैं कितने, और वही गलत काम भी कितने कर लेते हैं, उसको गलती लगता ही नहीं है। तो ये गलती नहीं लगती, उसी को ही अजागृति बोला जाता है, बेभान स्थिति। तो जिनके पास ज्ञान नहीं है वो अपनी जागृति को कैसे करें? उसको तो कोई संत मिले, कोई धर्म का सत्संग मिले तो समझ में आएगा कि चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, जुगा मत खेलो, थोड़ा तो किसी को दुख क्रोध मत करो, ऐसी बात समझ में आएगी उसको। तो जितनी वो खुद पकड़ेगा तो जागृति मिलेगी उसको, पर उसको शुभ की जागृति बोला जाता है, शुभ यानी बुरे में से अच्छे में जाने की जागृति, और ये आगे की बात है, बुरा अच्छा छोड़ के अविनाशी आत्मा में आने की जागृति, वो ज्ञान के बाद शुरू हो सकती है। थैंक यू, जय सच्चिदानंद। अनमोल दीपक भाई, मेरा भगवान के नाम में मन क्यों नहीं लगता? तो किस में मन लगता है, पैसे में लगता है कि नहीं? टीवी देखते हो क्या? हाँ जी। तो उसमें मन लग जाता है? हाँ जी। और बैंक में गए 1000 रुपया 10-10 की नोट दिया तो मन लगता है कि चले जाता है? वहाँ तो लगता है। हाँ, कितना अच्छा लगता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोले चाय, अरे छोड़ो पहले गिनने दो बराबर है कि नहीं। तो ये इंटरेस्ट आता है इसमें, भगवान से कुछ फायदा मिला नहीं, भगवान की पहचान हुई नहीं, भगवान में इंटरेस्ट आता नहीं है, इसके लिए भगवान में मन लगता नहीं है। और हमारी बात सुनो तो हमारा सारा दिन भगवान के साथ मन लगता नहीं, सारा भगवान के साथ ही व्यवहार चलता है, ये संसार के साथ व्यवहार चलता ही नहीं है, वो छूटते जाता है, सारा दिन भगवान के साथ व्यवहार चलते रहता है। तो दीपक भाई, मैं भगवान का नाम कैसे लूँ? अभी सत्संग में आए हो तो किस तरह आप आ सके सत्संग में, भगवान का प्रति मन तो लगता नहीं, तो सत्संग में आए कैसे आप?
किसी ने बताया? नहीं। टीवी में देखते हो? हाँ जी। बहुत अच्छा, अच्छा लगा टीवी में कुछ बातें? हाँ जी। हाँ, तो वो शुरुआत हुई अभी आपकी, और भगवान मंदिर में है या फोटो में है या मूर्ति में है, वो ऊपर बैठे, वो सब व्यवहार की बात है। सच्ची बात हमारे भीतर में ही है, वो बात समझ लो, तो फिर भगवान भीतर में ही रहेंगे और सारा दिन भगवान के साथ अभेद भाव से रह सकेंगे। भगवान भीतर में ही है, हमारा स्वरूप ही भगवान है। ये अनमोल तो शरीर का नाम है, शरीर विनाशी है, भगवान अविनाशी, हमारा स्वरूप अविनाशी है। और वो एक बार जान लिया, ज्ञान से प्राप्त हो गया, बाद में भगवान के साथ मन निरंतर रहेगा, चित रहेगा, मन से ऊपर की बात, चित भगवान में रहेगा। समझ में आया आपको? तो आप आते रहना सत्संग में। हाँ जी। चंदन पाल, मेरा मन भगवान में कहीं लगता नहीं था बाद में। और दूसरा मेरा प्रश्न ये था जी, अभी तो सत्संग की बात तो आपको थोड़ी अच्छी लगी ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये शुरुआत हो गई, ये भगवान के प्रति जाने का ही रास्ता है, और भगवान ऊपर बैठे उसमें जाने का नहीं है, हमारे भीतर ही, उसी के साथ। हम अज्ञानता से अहंकार खड़ा हो गया, देहाध्यास में चले गए, देह मेरा स्वरूप है, घर मेरा स्वरूप है, विनाशी चीजों को मेरा मेरा कहते हैं। अभी भगवान अविनाशी, उनका स्वरूप अविनाशी है। एक बार ज्ञान मिलेगा तो जागृति शुरू होगी, वो भगवान मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप ही अविनाशी है। बाद में उसी प्रति पुरुषार्थ चालू हो जाएगा, अभेद भाव पहुंचेंगे। दूसरा प्रश्न ये था, जैसे दोस्त मेरे कुछ कार्य करते हैं, उनमें मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? किस प्रकार का कार्य करते हैं वो लोग? जैसे शराब पीना जी। ओ, तो नहीं लगना चाहिए मन, अच्छी बात है, उसमें क्या नुकसान हो गया? ये नुकसान नहीं, फिर साथ में बैठे रहते हैं। अरे साथ में वो मित्र भी अच्छे नहीं है, वो शराब के मित्र है, बाटली के फ्रेंड है, आपके फ्रेंड नहीं है, समझ लो। नहीं, 3 साल हो गए जब तक मैंने हाथ नहीं लगाया। हाँ, नहीं लगा, कुछ में 1-2 महीने से हो गया है। आप भाग्यशाली है, कुछ आपका पुण्य है, बच गए आप। वो कुसंग बोला जाता है, कुसंग वाले कभी खुद का भी नुकसान करते, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक सब नुकसान करते हैं। तो आप जाना, वो फ्रेंड को आप बोलो ये बाटली मत लाओ, तो फ्रेंडशिप आपके साथ तोड़ दे लेंगे। देखो, आपके फ्रेंड नहीं है, बाटली के फ्रेंड है, समझ लेने। धन्यवाद जी, वो अच्छा किया आप नहीं करते हो, और अभी निश्चय करो कभी नहीं करना है। ठीक है जी। हाँ, ये भगवान की बात में आगे जाना है, इसी में ही मन लगाना है, और इसी से ही हमारी मुक्ति होगी। अरविंद पुरी, व्यवस्थित शक्ति जो है वो सत्ता, जो कोई ना कोई सत्ता को तो एडमिट करते हैं, हम क्या करूँ विज्ञान में, क्योंकि सत्ता कोई है चला रही है हमें। तो व्यस्टि और समष्टि में जो फर्क है वेदांत में, व्यस्टि और समष्टि, और एक जैसे डिवाइन लाइफ है अरविंदो घोष की, उसमें कॉस्मिक माइंड के बारे में बताया गया कि कॉस्मिक माइंड, इंडिविजुअल माइंड। गीता में विराट पुरुष की बताया गया, विराट पुरुष के बारे में, और पुरुषोत्तम के बारे में बताया गया। तो जीवात्मा जो परमात्मा जो है वही दशा है, मतलब कि अब ये तीनों चीज़ें सब बराबर हैं, समष्टि व्यस्टि और ये पुरुषोत्तम योग जो है कंप्लीट। ये मिक्सचर करने जैसा नहीं है। हाँ, समावेश तो नहीं, अलग अलग करेंगे, वही समझना है। हाँ, पहले व्यस्टि की बात लेते हैं। व्यस्टि यानी क्या है? समष्टि यानी बहुत बड़ा कंप्यूटर जैसा है, ठीक। हाँ जी, हाँ। और व्यस्टि यानी हमारा खुद का कंप्यूटर। अभी आपने समझ लो भावना की, मुझे शादी करनी है, कोई लड़की अच्छी मिले, पढ़ी होनी चाहिए, तो ये आपकी भाव, मगर आपको लड़की देगा कौन? तो ये भाव हमारे जाते हैं, हमारे व्यष्टि में शुरुआत होती है, व्यष्टि में से जाता है समष्टि में, और वो लड़की सोचेगी मुझे कोई अच्छा लड़का मिले, पढ़ा हुआ, फर्स्ट क्लास, धर्मिष्ठ, तो उनका भाव भी जाता है व्यष्टि में, और दोनों का बाद में व्यष्टि दोनों को मिलन करा के शादी करा देती है। तो हमारा इंडिविजुअल भाव से शादी नहीं होती है, उनका भाव, हमारा भाव, उनके माँ बाप, हमारे माँ बाप, वो बाजा बैंड वाले, सब मंडप वाले, सबका हिसाब मिल के ये समष्टि में से सबका हिसाब वापस आता है, तो समष्टि बोला जाता है। कॉस्मिक माइंड कहते हैं उसको। कॉस्मिक माइंड को ज्वाइंट मत करो। हाँ जी। ये लोग का बहुत स्थूल बात है, कॉस्मिक माइंड, कॉन्शियस माइंड, सब वो स्थूल स्वरूप की बात है, ये सूक्ष्मतम की बात है। स्थूल और सूक्ष्म और विराट स्वरूप के बारे में बात करते हैं। विराट स्वरूप की बात छोड़ो, विराट स्वरूप क्या बोलना चाहते हैं कृष्ण भगवान? कि नहीं, अहंकार कितना बड़ा है, सारी दुनिया में अहंकार सबसे बड़ा बोला जाएगा, सारी दुनिया में फैल सकता है, मैं ये कर डालूंगा, सारे ये देश का नाश कर डालूंगा, इतना बड़ा अहंकार कर सकता है। तो अहंकार को जो खा जाएगा वो विराट स्वरूप बोला जाएगा कि नहीं?
दुनिया के कितने प्रकार के अहंकार है, सभी अहंकार को जो खा जाएगा तो अहंकार से भी बड़ा उसको विराट स्वरूप बोला जाए, जो अहंकार को भस्मीभूत कर डालता है, अहंकार को खत्म कर डालता है, वो स्वरूप को विराट स्वरूप बोला जाए। सुप्रीम बींग जो है वही सुप्रीम बींग जैसे वो सुप्रीम डीम सब वो अलग चीज़ है। ये लोग की जो स्थूल भाषा है वो थोड़ा थोड़ा सेट करना चाहते हैं। जो आध्यात्मिक विज्ञान है और ये भौतिक विज्ञान है दोनों पैरेलल है, तो ये पैरेलल में क्या है, थोड़े थोड़ा सिमिलर बात लेके आते हैं मगर एग्जैक्ट नहीं ला सकेंगे, और आध्यात्मिक विज्ञान में एग्जैक्टनेस है और ये सिमिलर बात लेके आते हैं और टैली करना चाहते हैं मगर पूरी बात नहीं पहुंच पाते। तो उसको व्यवस्थित ही मानेंगे, उसको व्यवस्थित के साथ उसको समावेश होगा कुछ। हाँ व्यवस्थित, ये समष्टि व्यवस्थित का हिसाब व्यवस्थित माना, व्यवस्थित बोला जाए, व्यवस्थित ही माना जाएगा। ठीक, जय सच्चिदानंद। प्रश्न था कि सब में जो शुद्धात्मा होती है वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल रूप से होती है और सेपरेट इंडिविजुअल अस्तित्व अलग है, क्वालिटीज आर द सेम, एग्जिस्टेंस आर सेपरेट। और मोक्ष में जाने के बाद भी इंडिविजुअल रहती है, वो भी इंडिविजुअल रहते हैं, अपने खुद के आनंद में रहते हैं और आनंद शेयर भी नहीं होता, परमात्मा साथ एक भी नहीं होने का है। हम खुद ही भगवान से अलग हुए थे, परमात्मा हमारा भीतर का स्वरूप ही है, हम जुदा हुए थे, हम भगवान के साथ भीतर में ही अलग भेद होते हैं और एब्सोल्यूट स्थिति में आ गए, बाद में सब कर्म पूरे हो गए तो मोक्ष गति प्राप्त, और वहाँ से सारा ब्रह्मांड को देखते हैं, जानते खुद के अनंत अनंत समाधि सुख में रहने का। तो जैसे वेदांत में आता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो एक ब्रह्म बिन शुद्धात्मा रूप से हर एक के शरीर धारण किया हुआ है, एक यानी एक स्वभाव वाले हैं। जैसे 40 वाट का बल्ब हमारे घर में भी होएगा, पड़ोसी के घर में भी होएगा, सब्जी वाले के दुकान में भी होगा, सभी के वही प्रकाश का स्वरूप, मगर अलग अलग अस्तित्व है। एक ब्रह्म नहीं है, एक स्वभाव वाले ब्रह्म है, आपके भीतर आत्मा है। अभी देखो महावीर भगवान मोक्ष चले गए, तो एक ही ब्रह्म होगा तो सब मोक्ष में चले जाने चाहिए, तो हम तो यहाँ दुख सुख भुगतते हैं, हम हमारे कर्म खत्म करके तो हम भी मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे, उन्होंने उनके कर्म खत्म किए तो मोक्ष गति पाए, तो दोनों अस्तित्व अलग अलग है, क्वालिटीज आर द सेम, गुण धर्म सरीखे है। समझ में आया आपको? जय सच्चिदानंद। पीके चरणों में शत-शत प्रणाम। बोलिए। पूज्य श्री, 2011 में ज्ञान लिया था, अभी 2013 मई में जब हम अडाला जाए उसके बाद आने के बाद इतना चेंज नजर आया है, बहुत ही अंदर आनंद और अंदर शांति का अनुभव हो रहा है। ज्ञान लेने के बाद बहुत दोष दिखाई देते हैं, उनका प्रतिक्रमण भी होता है और उसके बाद बहुत हल्कापन महसूस होता है, जागृति भी बढ़ी है। पूज्य श्री, एक क्वेश्चन है, जैसे चिकनी फाइल्स हैं, चिकनी फाइल के साथ कोई ऐसा संयोग बनता है उनसे मिलने का, तो पहले प्रार्थना करके जाते हैं कि हाँ हमें संभाव से निकाल करने की शक्ति दीजिए, संभाव रहता भी है, पर उसके बाद आने के बाद दीपक भाई दिखता है कि वो जो सीन चले वहाँ क्रोध नहीं होता, द्वेष नहीं होता, पर जब घर आए वो सीन्स दोबारा रिपीटिशन होते हैं फाइल नंबर 1 से, वो भी दिख रहा है। तो हरकत नहीं, उसमें क्या हरकत है, हम याद आया तो तुरंत उनके शुद्धात्मा देखो, फाइल है संभाव से निकाल करना है, कोई अभिप्राय आ गया तो प्रतिकोण करके दो डालो, तो ये चिकनी फाइल है, तो फाइल तो है चिकनी। हाँ जी। और ये क्या है, स्पंदन उसके इकोज जैसा है। हाँ जी। पड़गा क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रतिध्वनि जैसा ये व्यवहार है। हाँ जी। एक नहीं, एक बॉल डाल दिया, कितनी बार थप्पे गिरते रहते हैं। हाँ जी। तो कुछ व्यवहार हुआ तो उसके प्रतिध्वनि जैसे स्पंदन आते रहते हैं। हाँ जी। तो देखने के कि ये वंदना को होता है और वो शुद्धात्मा है, फाइल है, हिसाब है, पूरा हुआ, और शुद्धात्मा को प्रार्थना करते रहो, कभी जब भी दूसरी बार मिले हम वितरागता से संभाव से निकाल करें, छूटना है, मोक्ष जाना, ऐसे सब भावना करते रहेंगे। हाँ, इस पड़गा जो प्रतिध्वनि है वो धीरे धीरे भी खत्म हो जाएंगे। हाँ जी। और एक और क्वेश्चन था दीपक भाई, पहले जहाँ ज्ञान लिया उस इस ज्ञान के बाद ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई कंबल ओढ़ के रखा हुआ था ज्ञान का, ज्ञान लेने के बाद वो पूरा ज्ञान जो लिया हुआ था, शब्दों का ज्ञान था, वो दादा भगवान के चरणों में समर्पित किया। अभी ऐसे सच में फीलिंग होती है कि मैं कुछ नहीं जानता, सच में मैं कुछ नहीं जानता दीपक भाई, बस अब मुझे यही फीलिंग होती है कि मुझे अब सिर्फ सिमिंद स्वामी के चरणों में जाना है। और जहाँ मैं आई हूँ वो ऐसी जगह है जो पूरी सृष्टि में मुझे नहीं मिल सकती, और मुझे अंदर बहुत तृप्ति है, बहुत तृप्ति है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए दीपक भाई। सच्चिदानंद।
संतोष कुमार झा, दिल्ली। दीपक भाई, बचपन से ही मेरे मन में बड़ी तीन चार सवाल गूंजती रहती है कि मैं वास्तव में कहाँ से आया हूँ और क्यों आया इस धरती पे और यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा और वास्तव में मेरे माता पिता कौन है। कहाँ से आया हो जानने जैसी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें जाना है। समझ लो यहाँ से आप स्टेशन पे जाओगे, दिल्ली स्टेशन पे, तो आपको पूछने की, उसको बोलने की जरूरत, मैं तो हरियाणा गया था, बाद में हरिद्वार, अरे कहाँ जाना जल्दी बोलो, वो क्या पूछेगा आपको कहाँ जाने का है। अहमदाबाद, तो चलो लो टिकट आगे बढ़ो। तो जानने जैसा कहाँ जाने जैसा है, और समझना है तो इतना समझ लेना चार गतियाँ है, मनुष्य गति, जानवर गति, देव गति, नर गति, इसी में ही हम कितने अवतार से ढूंढ घूम रहे हैं और उसी में से हम यहाँ आए हैं। और जाना कहाँ है तो मोक्ष गति, जन्म मरण से मुक्ति, वहाँ जाना है। और एक और प्रश्न है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप वितरागता है, निर्लेप है, असंग है, केवल ज्ञान स्वरूप है और शुद्ध ही शुद्ध है, निरंतर शुद्ध है और दूसरे तत्वों से अलग ही है, खुद के स्वभाव कभी बिगड़े ही नहीं। और वो आत्मा की हमें अज्ञानता है और हम देहाध्यास में आ गए कि मैं ही संतोष कुमार। तो आत्मा जैसे ये बैंगल रहती है सोने की, उसमें कॉपर सिल्वर सब मिक्सचर हो गया, तो हमें, हम है खुद सोना ही सोना है और हमें अज्ञानता से मानते मैं ही सिल्वर हूँ, मैं ही कॉपर हूँ, ऐसे मान लेते मैं ही बैंगल हूँ। अभी कोई ज्ञानी मिले, सोनार मिल गया, बताएंगे आप कॉपर भी नहीं, सिल्वर भी नहीं, आप खुद ही गोल्ड हो। एक बार आप बैंगल, बैंगल तो अवस्था है, आपका स्वरूप नहीं, बैंगल मोड़ के वो लोग अंगूठी बनाएंगे, मगर सोना नहीं बिगड़ता, आप बिगड़े नहीं कभी, वो आपका स्वरूप है। फिट हो गया तो यहाँ से मुक्ति चालू हो जाएगी। ये देहाध्यास यानी अवस्था में मैं हूँ मानते हो, तत्व मेरा स्वरूप है समझ में आ जाएगा और भान होना चाहिए शब्द से नहीं, अनुभूति से, बाद में मुक्ति यहाँ से ही शुरू हो जाएगी। दीपक भाई, 2 साल पहले मैं आपसे ज्ञान लिया था तो समझे उसके बाद मैंने किसी को भी दुख, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी को भी अपने तरफ से दुख नहीं दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बाकी तो कुछ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन यही मेरे अंदर भावना होती है कि अब किसी को भी, एक चींटी को भी दुख ना देता हूँ। बराबर है, एक मच्छर को भी नहीं मारता हूँ मैं। बराबर है, जय सच्चिदानंद भाई। और हो गया संतोष कुमार से तो प्रतिक्रमण कराने का। जी, वैसे तो होता ही बहुत कम है, लेकिन अगर हो भी जाता है हो सके, क्योंकि ये प्रकृति का भरा हुआ माल है, मन में बुरे विचार भी आ जाए, भरा हुआ माल संजोग मिले तो भरा हुआ माल, बिगड़ा सड़ा हुआ माल भी निकलेगा, तो प्रतिक्रमण करा, संतोष कुमार के पास ही प्रतिक्रमण। अब ज्ञान लेने से पहले मैं मतलब कि मांस खाता था, लेकिन उसके बाद से मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। बहुत अच्छा। तो परिवार वाले समझे कि बहुत टॉर्चर करते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है ये सब करने के लिए, सब तो मतलब बुढ़ापे में लोग करते हैं। हाँ, बुढ़ापे में कोई भी बूढ़ा आदमी को जाके पूछो आप कुछ कर सकते हो सत्संग की बात, अभी तो शरीर नहीं चल रहा है, माला पकड़ने की शक्ति चली गई होगी तो दिमाग भी नहीं घूमेगा तो क्या धर्म कर सकेगा। तो ये जवानी में जो किया वो साथ में आएगा और बुढ़ापे में कुछ हो ही नहीं सकेगा। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि तुम खाओ, जो गलत कर्म मैं करूँगा तो मुझे ही भुगतना होगा, इसलिए मैं नहीं। और बाद में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करने की, भाई तुमको ठीक लगे वो करो, मुझे डॉक्टर ने मना किया है तबियत की वजह से। इसी के चलते मेरी शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे समाज में लगभग सारे मांसाहारी हैं और जहाँ भी लोगों को पता चलता है कि लड़का मतलब कि शाकाहारी है, वहाँ मतलब कि वो लोग थोड़ा वो हो जाते हैं। तो आपको दुख नहीं है ना? कोई दुख नहीं है, मजाक करो। मगर अभी सत्संग आत्मा का कल्याण कर हो जाए पूरे पूरा, ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। ठीक है, जय सच्चिदानंद भाई। और आप शुद्धात्मा हो कि संदेश कुमार हो? शुद्धात्मा हूँ। ज्ञान तो शुद्धात्मा, कोई असली माता पिता कोई है ही नहीं। जी, जरूर समझ लो वो शाश्वत है, उसको माता पिता कौन है, ये तो देह के माता पिता रहते हैं, आत्मा के माता भी नहीं पिता भी, आत्मा खुद ही शाश्वत है, अविनाशी है, सनातन है। जी। जो प्रतिकर्मण है वो कंबाइन रूप से होता है, इंडिविजुअली नहीं होता। चलने दो, मगर लक्ष्य में ये रखना है कि जो गलती हमारी हुई वो गलती के ऊपर माफ़ी मांगनी है। जिस व्यक्ति के निमित्त से हमारे में भीतर में गलती हुई, क्रोध हुआ या द्वेष हुआ या भाव हुआ, मन बिगड़ गया, तो हम ये निमित्त से इस प्रकार गलती हुई माफ़ी मांगते हैं, तो इसी को इंडिविजुअल बोला जाता है। समझ में आया आपको? हाँ जी। दूसरा प्रश्न जी, जो ज्ञान का जो असर है वो पहले से काफ़ी कम हो गया है, उसमें आपकी कृपा चाहिए।
ये तो क्या है कि सत्संग के टच में रहोगे तो वापस जागृति का पावर बढ़ जाएगा, आज से ही पावर बढ़ेगा अभी। और एक बात, ये जो आप बोलते हो कई लोगों के साथ सामान्य भाव से ग्रुप में प्रतिक्रमण होता है, उसे अभी इंडिविजुअल पे जाइए। उस जनरल में क्या बोले, मेरी जो गलती हो गई सबकी माफ़ी मांगते, मैं क्या गलती हुई मालूम नहीं, तो फिर फायदा नहीं मिलेगा। और वही धीरे धीरे आवरण बढ़ेगा, जागृति डीम होते जाएगी। अभी पहले निश्चय करो कि मन वचन काया से किसी को दुख नहीं देना है। दुख किस प्रकार दिया जाता है, क्रोध से या द्वेष से या भाव से या मोह से या विकार से, किस भी प्रकार के किसी को दुख पहुंचा तो फिर एस कुमार को बोलने का माफ़ी मांगो। तो ये जागृति भी रहेगी चिदापन की, और इंडिविजुअल एक एक व्यक्तियों के साथ जो गलतियां होती है उसके माफ़ी मांगते, और वही जागृति बढ़ाने का पुरुषार्थ है। और पांच आज्ञा का पुरुषार्थ भी कर सकते हो, सभी को शुद्धात्मा रूप से देखो, हुआ सो व्यवस्थित, किसी का दोष नहीं है, फाइल है संभाव से निकाल करने हैं। तो ये आज्ञा में रहने से भी आपकी जागृति बढ़ेगी। समझ में आया आपको? जय सच्चिदानंद।